नमस्कार, हिमाचल कला संस्कृति तथा भाषा अकादमी के फेसबुक लाइव पेज पर आप सभी का स्वागत है। रोजाना शाम 7 बजे चलने वाले इस लाइव प्रोग्राम में हिमाचल प्रदेश के जाने माने साहित्यकार, लेखक, कवि, संगीत तथा कला से जुड़े विद्वान अपने अपने विचार साझा करते हैं। अकादमी द्वारा कोरोना काल के दौरान उठाए गए इस सराहनीय कदम के लिए मैं उनके प्रति अपना आभार व्यक्त करती हूँ। मेरी आज की प्रस्तुति का विषय रहेगा भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली कथक। हमारी भारतीय शास्त्रीय विधाएं, चाहे वो नृत्य विधा हो या गायन अथवा वादन, बहुत ही समृद्ध तथा उच्च कोटि की कलाएं हैं, जो आत्मा तथा ईश्वर के बीच एक गहन संबंध स्थापित करती हैं। भारतीय नृत्य की गौरवशाली परंपरा ईसा से भी 500 वर्ष पूर्व की है। भरत मुनि का नाट्य शास्त्र भारतीय शास्त्रीय नृत्य कलाओं का प्रथम प्रामाणिक ग्रंथ है और ये कलाएं इसी प्राचीनतम ग्रंथ पर आधारित है। नृत्य क्या है? अंग प्रत्यंग एवं मनोभावों के साथ की गई गति को नृत्य कहा जाता है। मानवीय अभिव्यक्तियों के रसमय प्रदर्शन को नृत्य कहते हैं। कथक नृत्य शैली संपूर्ण उत्तर भारत की बहुत ही लोकप्रिय शास्त्रीय नृत्य शैली है, जो न केवल भारत में अपितु अन्य देशों में भी बहुत ऊंचा मुकाम हासिल कर चुकी है। कथा कहे सो कथक कहावे, अर्थात अभिनय के माध्यम से संपूर्ण कथानक को दर्शकों के सम्मुख प्रस्तुत करना कथक कहलाता है। आज मैं आपको कथक नृत्य के पारंपरिक रूप से अवगत कराने का प्रयास करूंगी, इसके स्टेज प्रेजेंटेशन की, जो एक पारंपरिक विधि है, उसके अनुसार कुछ प्रस्तुतियां दूंगी। किसी भी नर्तक के लिए नृत्य सबसे बड़ी पूजा है और मेरे लिए भी नृत्य एक साधना है, यही मेरे लिए ईश्वर की आराधना है। कथक नृत्य की प्रस्तुति की शुरुआत प्राय वंदना या स्तुति के साथ की जाती है। मैं भी अपने समस्त गुरुजनों को प्रणाम करते हुए, उनके प्रति आभार व्यक्त करते हुए और इन सभी कलाओं को जन्म देने वाले सबसे बड़े गुरु देवादिदेव नटराज शिव के चरणों में शीश झुकाते हुए आज की प्रस्तुति इस शिव स्तुति के साथ आरंभ करूंगी। कोरोना संक्रमण के दौरान चलाए जा रहे इस फेसबुक लाइव प्रोग्राम के लिए आज हम यहाँ उपस्थित हैं सेक्रेड हार्ट कॉन्वेंट के स्कूल ऑडिटोरियम में। कोरोना की वजह से डांस एकेडमी बंद है, गेटी थिएटर बंद है, ऐसे में हमने 3-4 दिन के लिए इसी ऑडिटोरियम में नृत्य अभ्यास किया है। बहुत ज़्यादा अभ्यास नहीं कर पाए, किंतु आशा करते हैं कि जो भी किया है वो आपको पसंद आएगा, और अगर उसके बावजूद कुछ भी त्रुटि रह जाए तो उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। इस प्रस्तुति में मेरे साथ अर्चना मेहरा, दिव्या, रूपाली और हिमांशी अपना योगदान देंगी। आशा करते हैं आप इसे पसंद करेंगे। आत्मा जो कण कण में विराजित है, नृत्य में नटराज की आदि कण से समाहित है। Thank you.
तक नृत्य प्रस्तुति को आरंभ करने के तरीके को थाट कहते हैं। इसे लक्षण नृत्य भी कहा जाता है। इसमें केवल अंग उपांग तथा प्रत्यांग के संचालन द्वारा ही नृत्य किया जाता है। इसमें अभिनय का कुछ खास महत्व नहीं होता, लेकिन सम दिखाने का अंदाज बहुत ही आकर्षक होता है। थाट दो प्रकार के होते हैं, छोटा थाट और बड़ा थाट। तो लीजिए प्रस्तुत है छोटा थाट। Thank you.
नृत्य उत्तर भारत की बहुत प्राचीन नृत्य शैली है। महाभारत में भी कथक का वर्णन है। जब अज्ञातवास के दौरान अर्जुन ने एक नृत्यांगना के रूप में एक वर्ष का अज्ञातवास व्यतीत किया था। मध्यकाल में इसका संबंध कृष्ण लीला तथा राधा कृष्ण की कथाओं से रहा, किंतु मुगल काल में ये नृत्य दरबारों से जुड़ गया, जिसके चलते इसमें कई परिवर्तन हुए। कथक नृत्य, जो अपनी सात्विकता के कारण जाना जाता था, उसमें कुछ अंश श्रृंगार तथा अदा के भी शामिल हो गए। वर्तमान समय में कथक नृत्य का लखनऊ घराना मुगल काल के दौरान विकसित हुए कथक स्टाइल या कथक नृत्य शैली को अधिक दर्शाता है। मुगल काल में नवाब वाजिद अली शाह के संरक्षण में इस नृत्य ने बहुत ही खूबसूरत अंदाज को अपनाया, जिसे आज तक कथक नृत्य के सभी घराने अपनी प्रस्तुति में शामिल करते हैं। अभिनय की दृष्टि से लखनऊ घराना अन्य घरानों से काफी आगे है और इसका श्रेय पद्म विभूषण पंडित बिरजू महाराज को दिया जाता है। उनकी शिष्याओं मधुरिता सारंग तथा शाश्वती सेन और पंडित लच्छू महाराज की शिष्या कुमकुम धर ने देश के शीर्ष कथक नृत्यांगनाओं में स्वयं को स्थापित किया है। सलामी तथा आमद, ये दोनों ही शब्द कथक पर मुगल तथा ईरानी सभ्यता के प्रभाव को दर्शाते हैं। सलामी, जब नर्तक रंगमंच पर प्रवेश करने के बाद दर्शकों का अभिवादन करता है, उन्हें सलाम करता है। आमद, जो फारसी भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ है आना या आगमन। तो अभी हम प्रस्तुत करेंगे सलामी तथा आमद, और इसे प्रस्तुत कर रही हैं अर्चना तथा दिव्या। Thank you.
परन के बोल जोड़ दिए जाएं तो उसे कहते हैं परन चुड़ियामन, परन जिसके बोल पखावज पर बजाए जाते हैं। तो लीजिए प्रस्तुत है लखनऊ घराने की परन जुड़ी आमद, जिसे प्रस्तुत कर रहे हैं रूपाली तथा हिमांशी। जैसे कि जयपुर घराने में भ्रमरी का काम अधिक दिखाया जाता है, फास्ट फुटवर्क होता है, तेज मूवमेंट्स होती हैं, और वही अगर हमें लखनऊ घराने में तोड़ा दिखाना हो तो सॉफ्ट मूवमेंट्स होती हैं, उसमें नज़ाकत और अदा का प्रयोग ज़्यादा किया जाता है, ग्रेस ज़्यादा होती है। तो अभी मैं आपके सामने दो तोड़े प्रस्तुत करूँगी। पहला तोड़ा जयपुर घराने का, जिसमें तीन अलग अलग लय में, तीन प्रकार के रिदम में भ्रमरी का काम दिखाया जाएगा, और दूसरा तोड़ा लखनऊ घराने का, जिसे लखनऊ घराने के अंदाज में प्रस्तुत किया जाएगा। Thank you.
रचना जिसे पखावज पर बजाया जाता है, अगर तबले पर बजाना हो तो इसे खुले हाथ से बजाया जाता है। परण कई प्रकार की होती है, साधारण परण, चक्रदार परण, फरमाइशी परण, कमाली परण, जाति परण, पक्षी परण, स्तुति परण। तो अभी हम प्रस्तुत करेंगे एक साधारण परण तथा एक चक्रदार परण, जिसके बाद पांव का काम तथा गत निकास दिखाया जाएगा। Thank you.
नृत्य में जीवन का हर पहलू समाहित है, किंतु इसे वही महसूस कर सकता है जो पूरी तरह इसके प्रति समर्पित हो। आज के दौर में कथक नृत्य के साथ नए नए प्रयोग किए जा रहे हैं, युवा पीढ़ी कई एक्सपेरिमेंट्स कर रही है, समय के साथ सब कुछ बदल रहा है और ये प्रयोग काफी समय से चले आ रहे हैं। नए प्रयोग करने में कोई बुराई नहीं, किंतु इस बात का ध्यान रखना बहुत आवश्यक है कि इस सब में कहीं हमारी इस कला की आत्मा न मर जाए। बॉलीवुड कथक या फ्यूजन कथक अपनी जगह है, परंतु इस कला के वास्तविक मूल रूप को सीखना तथा उसके लिए समर्पित रहना बहुत आवश्यक है। मैं आज की युवा पीढ़ी से यही कहना चाहूंगी कि ये कला बहुत अधिक समर्पण तथा साधना मांगती है। आज तक हमारे कथक के जितने भी विद्वान हैं, मैंने उन्हें सदा यही कहते हुए सुना है कि हम ये प्रस्तुत करने का प्रयास करेंगे, हम कोशिश करेंगे या हमने कोशिश की है। कभी भी किसी को ये कहते नहीं सुना कि हमें इस कला में पूरी पारंगत हो चुके हैं या हम इसमें पूरे महारत हासिल कर चुके हैं। इस चीज को युवा पीढ़ी को अपने ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। ऐसा इसलिए है क्योंकि इस कला में हम जितना सीखते हैं उतना ही कम है। ये एक नेवर एंडिंग प्रोसेस है, लेकिन आप जितना रियाज करेंगे उतना ही इसकी बारीकियों को जान पाएंगे। यदि आप सफल होना चाहते हैं तो अपना पूरा ध्यान अपने पर रखिए, अपने रियाज पर रखिए, अपनी प्रैक्टिस पर रखिए, एक दूसरे से सीखिए, अनहेल्दी कॉम्पिटिशन से दूर रहिए और स्वयं को पूर्ण रूप से इस नृत्य रूपी योग के लिए समर्पित कर दीजिए। क्योंकि ऊर्जा से भरा योग है नृत्य, हर लेता सारे रोग है नृत्य, खुशियों का स्रोत है नृत्य, जीवन जीने का शोध है नृत्य। जब शरीर तथा आत्मा का मिलन होता है तो एक खूबसूरत नृत्य का सृजन होता है। आज के इस कार्यक्रम की अंतिम प्रस्तुति शांति मंत्र के साथ, समग्र विश्व के कल्याण हेतु ईश्वर से शांति की प्रार्थना करते हुए, हे ईश्वर शांति दीजिए, त्रिभुवन में, जल में, थल में और गगन में, अंतरिक्ष में, अग्नि पवन में, औषधि वनस्पति वन उपवन में, शांति राष्ट्र निर्माण सृजन नगर ग्राम और भवन में, जीवन मात्र के तन मन और जगत के कण कण में, शांति दीजिए, शांति का दान दीजिए। संपूर्ण सृष्टि की मंगल कामना के साथ ये अंतिम प्रस्तुति। Thank you.
शांति दीजिए, अपने इस सृजन की रक्षा कीजिए। संपूर्ण सृष्टि की मंगल कामना के साथ ये थी अंतिम प्रस्तुति।